मेरे साथियों, मैं तुसें गी एक गल सनाना। मेरे वास्ते एक्सपेरिमेंट होया है। मैं बहुत कुछ इत्थों हासिल किया, बहुत कुछ सोचा। साढ़े जिहड़े नौजवान, क्योंकि असीं उसे परिवार तों कि 4 साल की नौकरी क्या मजाक है। हमारे युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे जो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं, इंसाफ। हम क्या चाहते हैं, इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो। अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो। आर्मी भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आर्मी भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आर्मी भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अग्निपथ योजना की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वापिस लो, वापिस लो। अग्निपथ रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। अग्निपथ रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। अग्निपथ रोल बैक। आर्मी भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आर्मी भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आर्मी भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। युवाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। अग्निपथ वापिस लो। आर्मी भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आर्मी भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल। देखो मित्रों, ऐसा है कि आज पूरे देश में आपको पता है कि जिस दिन से इन्होंने ये पॉलिसी लागू की है, पॉलिसी बाहर आई है, पूरे देश में नौजवानों का बवाल मचा है, हैं? हर स्टेट में, और खासकर जो हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट, और खासकर मैं जिस क्षेत्र से यहाँ जसरोटा कंस्टिट्यूंसी में आज हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, और खासकर मैं अमरीश को मुबारक दूंगा कि इन्होंने सारे युवा जितने भी है, ये सब आर्मी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इम्तिहान दिया है, अपने जिन्होंने अपना मेडिकल भी करवाया, सब कुछ करवाया, सिर्फ एग्जाम का इनको वेट है, आज तक कोई एग्जाम नहीं ले रहा। और ये जो हमारा क्षेत्र है, ये जो जसरोटा कंस्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट कठुआ की मैं खास बात करूँ, हमारा तो रोजगार ही जो था ना, हमारे युवा तैयार इसीलिए होते थे कि हमने देश की सेवा करनी है। यहाँ के युवा जो होते आर्मी, BSF, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस में, और इसी में सेवा में लगे रहते थे। हमारा कोई धंधा नहीं, कोई ज़मीनें नहीं है, कोई हम कोई इतने बड़े यहाँ कोई कारोबारी आदमी नहीं है, हम तो बिल्कुल इसी पे डिपेंड रहते थे। और हमारा डोगरा जो कल्चर है, डोगरा कम्युनिटी भी हमारी थी, ये इसी मतलब है, इसी के अपने देश के लिए यही सेवा करती रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये जो पॉलिसी जो इन्होंने बनाई है, पूरे देश में बवाल है इस टाइम, नौजवान बहुत दुखी है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसका ध्यान करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, अब महाराष्ट्र में आपको पता क्या करना शुरू कर दिया है, वहाँ सरकार के खिलाफ इन्होंने एक मसौदा तैयार कर लिया है, एक सोच बना ली है कि इसको गिराना, ये इन चीज़ों में उलझे हुए हैं। ये नौजवानों का इनको बिल्कुल ख्याल नहीं है। अग्निपथ का ये देखो, इन्होंने इतना बवाल होने के बाद इतनी मतलब है, मैं कहता इतने लोग सत्याग्रह पर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, और जैसे इन्होंने किसानों का बिल वापस लिया था, यही हाल इनका ये होना है, इनको ये पॉलिसी वापस रोल बैक करना पड़ेगी, नहीं तो युवा जो है हमारा देश का ये नहीं आगे आ सकता। इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये धोखा हो रहा है। 4 साल की नौकरी, 1 साल तो ट्रेनिंग, जवान को बनाते आर्मी में आपको पता है कि 7 साल मिनिमम लगते हैं उसको ट्रेनिंग देते, 4 साल में तो ये वापस भेज रहे हैं, और वापस करके इनकी ना तो कोई पेंशन है बेचारों की, वो 5-4 लाख रुपए जो जोड़ेंगे वही लेके आएंगे, ये क्या करेंगे। ये तो 10वीं पास करने वाला बच्चा और 12वीं तक जो ले रहे हैं, जो मतलब 17 साल से लेके जो 21 साल तक इन्होंने जो उसकी आयू रखी है, वो तो पढ़ने का बच्चों का मतलब है उस टाइम टाइम होता है। ये बहुत बड़ा एक कोई एक साजिश है, मैं कहता हूँ अपने इस हिंदुस्तान के मतलब है, हमारे देश के नौजवानों के खिलाफ जो इन्होंने साजिश रखी है, ये जो 4 साल का जो रखा है इसको रोल बैक करना पड़ेगा। ये हमारी सड़कों पे आना मजबूरी है, क्योंकि युवाओं के साथ हमको जो खिलवाड़ हो रहा है, हम युवा का साथ स्टैंड बाय स्टैंड है इनके पास। जब तक ये वापस नहीं लेते तब तक हमने ये जिदोजहद, सत्याग्रह, प्रोटेस्ट, ये सब ने जारी रखने हैं। कह रहा हूँ, महंगाई इतनी हो चुकी है, हर घर को इफेक्ट हो रहा है, महंगाई पे कोई बात नहीं करते हैं, महंगाई के लिए उनकी सोच ही नहीं है। महंगाई को मतलब है ये उसको दरकिनार करके, उसको उसके ऊपर काला कपड़ा डाल के ये दूसरी स्कीमें ला रही हैं। अब ये युवाओं का जो मसला आया तो इन्होंने महाराष्ट्र में दूसरा मतलब अपना मंसूबा तैयार कर दिया, वहाँ चलो सरकार कराओ, लोगों का ध्यान उस टाइप ले जाएं। तो ऐसा है कि इनका काम ही यही है,
देश में देश के हित की और जवानों के हित की कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉलिसी बन रही है। और जैसे इन्होंने अपने वायदे किए थे, आपको पता है कि 2 करोड़ नौकरी देंगे साल की, 15 लाख रुपया गरीब के खाते में आएगा, किसान के खाते में आएगा, कहाँ आया, क्या मिला लोगों को। इसलिए युवा बहुत परेशान है, खासकर हमारी रियासत में। आपको पता है यहाँ जब हमारी सरकार ये 370 टूटने के बाद जो हमारा हाल है यूटी में, मैं कहता हूँ आपको हमें तो दरबदर हम हो चुके हैं, इस टाइम तो दरबदर हो चुके हैं। और लोग सब लोग नौजवान चाहते हैं कि यहाँ अपनी चुनी हुई सरकार बने और स्टेट वापस हमें मिले, स्टेट रूड हमारे वापस मिलना चाहिए। ये लोगों की ये भी डिमांड है साथ साथ। और खासकर जो महंगाई है, ये बाद में इनको पता चलेगा कि महंगाई से जो लोग परेशान हैं, जो हमारी महिलाएं बहनें माताएं जो घर में परेशान हैं, जो चूल्हा चलाती हैं वही जानती हैं। ये मौके पे आपको दिखाएंगे कि ये जो बीजेपी हमारे साथ कर रही है, जो पॉलिसी हमारे ला रही है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो बाद में इनको पता चलेगा या वक्त आएगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये बंद होना चाहिए, इसको रोल बैक किया जाए। तो देखिए देश में कितने युवा हैं, ये फॉर्म भरना ही कोई नौकरी थोड़ी मिल जानी है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो गई, ये तो दिखाने के लिए, ये तो पेपरों में देख रहे हैं आप, अखबार में आज पढ़ा होगा कि 60,000 लोगों ने वहाँ एप्लीकेशन भर दी है। 50,000 तो पहली सरकारें जितनी भी आज तक थी, 50,000 तो हर साल हमारे युवा जाते थे आर्मी में, अफसर भी बनते थे, प्रमोशन भी होती थी, आगे भी चलते थे, पेंशन भी मिलती थी, हर बेनिफिट मिलता था। ये जो 4 साल की इन्होंने योजना जो बनाई है, पॉलिसी बनाई है, देखो ना तो इनकी इंश्योरेंस इसमें कवरेज है, ना इनको बेचारे का कोई किसी के साथ कोई इस किस्म का कोई हादसा हो जाता है तो कुछ नहीं मिलना इसको। ये सिर्फ जा रहे हैं बॉर्डर पे जाने के लिए, उनके साथ दुश्मनों के साथ मुकाबला करने के लिए, उनको आगे ढेरने के लिए, ट्रेंड पीछे और जो 6 महीने वाले ट्रेंड है इनको आगे करने के लिए, ये समझो कि अग्नि में ये उनकी तरफ इनको ये क्या नाम है अपना धकेलने वाली बात कर रही है ये सरकार। तो हमारा कहना है कि ये किसी तरीके से हम इसको हमारा जदोजहद चलती रहेगी, प्रोटेस्ट चलता रहेगा। आज हमारा कंस्टिट्यूंसी वाइज सारे पूरे जिले में ही, मतलब पूरे स्टेट में, पूरे देश में हमारा ये एक सत्याग्रह प्रोग्राम चल रहा है, इसमें कोई पार्टी का हमारा नहीं है। ये सब लोग जितने भी आप देख रहे हैं पिछले जितने सब युवा हैं, वो सब ने ये बेचारों ने मेहनत करके दौड़ लगा के बेचारों ने ये कह रहे हैं कि हमारा इम्तिहान लो, 2 साल से इम्तिहान नहीं हो रहा है, यही हमारे इनकी मांग है और क्या है हमारे पास। तो ये जो आज का धरना प्रदर्शन था, जो सत्याग्रह है, मुझे लगता है अब एक हिंदुस्तान के अंदर एक और सत्याग्रह की अब ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी है पिछले कुछ सालों के अंदर, तो इवन कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बेरोजगारी स्तर सबसे ज़्यादा है जब से आज़ादी मिली है, और इस बेरोजगारी के चलते हुए जब युवा उम्मीद करता है कि हमारी सरकार हमें रोज़गार उपलब्ध कराएगी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं पहले तो सरकार जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है उनको बेचकर प्राइवेट कर देती है, और जो कुछ सरकारी संस्थान बचे हुए हैं जैसे बेल्ट फोर्सेस है या फिर रेलवे का कुछ था पार्ट, तो बेल्ट फोर्सेस में अब हमने देखा कि सरकार नहीं चाहती कि युवाओं को स्थायी रोजगार दिया जाए। आज 4 साल का इन्होंने निकाला है अग्निपथ कि 4 साल के लिए हम रिक्रूट करेंगे, आने वाले दिनों में ये आर्मी को बेचकर अंबानी और अडानी के हाथ में सौंपेंगे, फिर युवा कहाँ जाएगा। इस तरीके के जो सरकार की पॉलिसी है जो कि एंटी यूथ है, एंटी पीपल है, और इसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी साफ शब्दों में मांग है कि इसको जल्द से जल्द रोल बैक किया जाए। युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो खिलवाड़ हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने पिछले 2014 से आज तक युवाओं को ठगने के सिवाय और कोई काम नहीं किया है। चाहे जम्मू कश्मीर का युवा तो इससे ज्यादा वो तो एजुकेशन भी नहीं ले सका, जब 370 टूटी आपने नेट बंद रखा 1.5 साल तक, युवा ऑलरेडी पीछे है हमारी स्टेट का, आपने यहाँ के युवाओं की रिजर्वेशन तक खत्म कर दी, यहाँ का युवा यहाँ की डिपेंडेंसी जो थी वो बेल्ट फोर्सेस पर थी, और आपने बेल्ट फोर्सेस में भी इनको किराए के बाड़े पर लाकर खड़ा कर दिया है। यानी कि 4 साल का जो प्रावधान है सरकार को सुनिश्चित करना होगा, जिस तरीके से पहले हिंदुस्तान के अंदर जो भर्ती की प्रक्रिया थी उसको पूर्ण रूप से बहाल किया जाए, और देश की सुरक्षा अखंडता संप्रभुता के साथ कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। सर आज से 2 साल पहले हमारी भर्ती हुई थी संजीवा ग्राउंड में, 2019 में फॉर्म हमारा लगा था, तो 20 में भर्ती हुई थी जिसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। फिजिकल प्लस मेडिकल हमने क्लियर किया था जो कि 2020 में हुआ था, 20 में अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम था, उसके बाद
जो कि हमें दिन प्रतिदिन हर हर दो तीन महीने बाद हमें डेट दी जाती थी कि आपका एग्ज़ाम जब अब होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा। आज तक 6-7 बार हमें एग्ज़ाम की डेट मिल चुकी है, अभी तो उसको रद्द कर दिया, जो एग्ज़ाम हमारा था रद्द कर दिया। ये तो है ना, नाइंसाफ कर रहे हैं कि युवाओं के साथ, जो कि मतलब कि 17 से 21 साल होते वो तो उनकी तो एज होगी, अभी इन्होंने लॉलीपॉप दिया कि 23 साल कर देंगे एक बैच के लिए, मतलब कि जो 23 साल के लिए वो सभी युवा क्लियर हो जाएंगे उसमें? कैसे क्लियर हो जाएंगे? आप सभी को पता है मेडिकल प्लस फिजिकल पास करना कितना मुश्किल है, ठीक है? ज़्यादा तो बंदा जब फिजिकल पास करता है उसको मेडिकल से निकाल देते हैं, होता उसको कुछ भी नहीं है, माइनर सी प्रॉब्लम होती है उसको मेडिकल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हो कि 40,000-50,000 साल का हम बच्चा उठाएंगे, तो पूरे देश में कितना बच्चा है, ठीक है? वो 4 साल तो चले गए जिनके चले गए, जो भर्ती हुआ अपना एग्ज़ाम कैंसिल किया, तो अभी ये बताओ कि जो अभी जो युवा है हमारे पूरे देश के, उनके साथ क्या होगा? 40,000 आएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे, ठीक है? तो अब क्या मांग करते हो? मांग सर यही है कि TOD वापस लिया जाए, तो हमारा एग्ज़ाम कराया जाए। हाँ, 99% लोग जो हैं डिपेंड हैं आर्मी में, उसमें होते हैं, पुलिस में होते हैं, बेल्ट फोर्स में, सभी में, क्योंकि हमारे इधर ना तो कोई फसल वगैरह होती है जो जिम्मेदारी को कहो कि वो ना वो होती है, और मैक्सिमम लड़के जितने भी युवा हैं ये कोशिश करते हैं अपने फिजिकली फिट हो के वहाँ से बरवाल से दौड़ते आएंगे, बरवाल मोड़ तक ये 3 किलोमीटर, फिर ऊपर भागते जाएंगे ग्राउंड में, उधर एक्सीलेंट मारते हैं लड़के सारे, और आर्मी में जाते हैं और खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते थे और देश की सेवा करते थे। आज इन्होंने ये कर दिया है कि अभी 17.5 साल का लड़का जो अभी 10वीं पास होगा, 12वीं पास नहीं होगा, उसको वो अग्निपथ में लेंगे, उसमें अग्निवीर लेंगे, और जब वो 23 साल का होगा उसको रिटायर कर देंगे, उसके बाद उसका भविष्य का क्या होगा? ये जो बीजेपी सरकार है, ये तो मैं कहता हूँ ये गुजराती हैं, ये सिर्फ बिजनेस करना जानते हैं, देश नहीं चलाते, देश सेवा नहीं है इनके पास, ये बिजनेस करना जानते हैं। अब उनको पता है कि जो ये 4 साल में लड़के जो इनको ट्रेन करके हम भेज देंगे, उनको जो अंबानी अंडानी के बड़े बड़े गोदाउन हैं, मॉल वगैरह बनाएंगे, उनको स्कूटी के लिए जो लड़के चाहिए होंगे, ऐसे जो आर्मी पर्सन रिटायर होगा वो 25,000 से 30,000 रुपया महीना लेगा और उनमें स्कूटी में उनके पास भर्ती होगा। बिजनेस करना जानते हैं, सरकार के पैसे से उनको ट्रेन करेंगे और उनको वहां पे सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे। इसीलिए हमारी यही मांग है कि ये जो नौजवान है इनके साथ इतना भी विश्वासघात मत करो। इन्होंने आप पे बहुत ज्यादा भरोसा किया था, जब मोदी जी कठुआ आए थे तो उन्होंने स्पेशली कहा था कि ये जम्मू कश्मीर के जो जो बॉर्डर के लड़के हैं ये सारे के सारे अभी आर्मी में भर्ती होंगे, क्या और कोई होता है? ये लड़के किस चीज से कम है? और हमारे लोगों ने बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा, जितना कभी इतना वोट नहीं किया था उन्होंने, वोट करके बीजेपी सरकार बनाई थी, और आज इतना ही बुरा हाल इन लोगों के साथ किया था। तो जी क्या समझते हैं आप अग्निपथ को लेकर? ये जो अग्निपथ या अग्निवीर जो पॉलिसी है, ये तो डायरेक्ट एक आर्मी को प्राइवेट करने वाली ये एक बात है। पहली दफा हमने सुना है कि ऐसी पॉलिसी आ रही है, ऐसी आर्मी को बना रहे हैं जिसकी ना कोई रेजिमेंट है, ना कोई बटालियन है, ना कोई उसका आर्मी का लोगो होगा। ये तो एक प्राइवेट सिस्टम है, इनको ट्रेनिंग देके, ये तो जो अडानी अवानी जो ये इनके जो स्टोर बन रहे हैं, ये इनको तो वहां सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। 4 साल की सर्विस में 6 महीने की ट्रेनिंग, 8 महीने छुट्टी, 14, ये तो 1.5 साल चले जाएगा छुट्टी और उसमें ट्रेनिंग में, बचे 2.5 साल। 2.5 साल में वो आर्मी की उसमें अपनी देश सेवा देखेगा या अपने घर की तरफ देखेगा? वो तो यही देखेगा कि आज मेरे 2 साल बच गए, आज 1.5 साल बच गया, आज मेरा साल बच गया, उसके दिमाग में यही चलता रहेगा देश सेवा, या वो श्रद्ध की और कम सोचेगा, अपनी जो अपने घर की वो श्रद्ध है उसके बारे में ज्यादा सोचेगा। ये सरासर ये गलत है, ये युवाओं के साथ धोखा है। हम तो सरकार से ये मांग करते हैं, आज का ये जो सत्याग्रह का ये प्रोग्राम है ये इसी सिलसिले में है कि जो जो युवा है इनके साथ शोषण बंद करो, और ये जो TOD पॉलिसी है इसको तुरंत प्रभाव से वापस करो। निपत जो योजना केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई है उस पे आपका क्या कहना है? मैं मेरा यहाँ तक कहना है, ये अग्निपथ योजना जो सरकार ने लाई, ये हमारे लिए, हमारे देश के जो नौजवान पीढ़ी है, युवाओं का जो जोश है उसको ख़त्म करने के लिए ये योजना लाई है। क्योंकि मैं जब से ये देश आज़ाद हुआ है, देश की आज़ादी से पहले हमारे देश की जनता को एक आस बंधी थी कि हमारा देश आज़ाद होगा तो हम अपने आप में इस देश को आगे लेके चलेंगे, और ये देश की जो सरकार आएगी ये हमारे युवाओं को, हमारे देश के नौजवानों को रोज़गार उपलब्ध कराएगी। पिछली सरकारों की तरह, जैसे पिछली सरकारों ने इस
योजना पे बहुत अच्छे तरीके से काम किया, लेकिन जब से ये सरकार आई है इस सरकार ने इस तरह तरह के ऐसे योजनाएं लाई हैं जो हमारे देश के लोगों के हित की नहीं है। और ये खास कर ये युवा पीढ़ी के लिए जो इन्होंने ये योजना लाई है आर्मी में, एक लोगों को एक उम्मीद बंदी थी कि आर्मी में हमारा जैसा ये हमारा इलाका जिस इलाके में हम खड़े हैं कंडी का क्षेत्र है, इस कंडी से हमेशा हमारे जो नौजवान थे वो भारत की सेना में जाते थे और सेना को हमेशा प्रेफर करते थे। लेकिन इन्होंने इस तरीके से, क्योंकि इस हमारे इलाके में ज़्यादा कोई खेती बाड़ी का इतना सोर्सेज नहीं है, हमारे लोगों की जो जीविका चलती थी वो इसी आर्मी ज्वाइन करने के बाद उनका जो रोजगार चलता था इसी जरिए चलता था। लेकिन जैसे हमारा जहाँ हमारी जो थोड़ी थोड़ी ज़मीनें थी वो वहाँ बंदरों ने आतंक डाल दिया, वो ज़मीनें चली गई, वो ज़मीनों का जो खेती बाड़ी थी वो चली गई, लोगों को आस बंधी के हमारे नौजवान जो है पैरामिलिट्री आर्मी में जाएंगे। लेकिन इस सरकार ने उन बंदरों की तरह इनके भी इनके नौजवानों के कैरियर के भी ऊपर जो हमला किया है, हम इस योजना के खिलाफ हैं और हम चाहते हैं ये सरकार इस योजना को बदले। नहीं तो मैं युवाओं से ये अपील करूंगा, जैसे पिछली सरकारों को बदला, आपको जब ये सरकार बदलोगे तभी आपका फ्यूचर जो है ब्राइट होगा। मैं तो यही उम्मीद करूंगा, नौजवानों से अपील भी करूंगा, इस सरकार को बदलो। ये सत्याग्रह जो कर रहे हैं हमारे नौजवान, सत्याग्रह हमारा होना चाहिए सरकार बदलने के लिए, क्योंकि जब सरकार लोगों के हित की नहीं होती है तो उसको बदलना ही लोगों के हित में। तो शुक्रिया।